नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद चैनल भिवानी हालचाल। आइए सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। वार्ता में दिया बड़ा बयान, एसवाइल मुद्दे पर भाजपा व इनेलो पार्टी कर रही है अनाप शनाप बयानबाजी। ग्रीन सोसाइटी भिवानी ने पौधारोपण करते हुए मनाया विश्व पृथ्वी दिवस। बेटी के जन्म पर तिगड़ाना में किया गया कुआ पूजन, बेटी बचाओ का समाज को दिया संदेश। गांव पालवास की महिला ने किया जहरीले पदार्थ का सेवन, सामान्य अस्पताल में तोड़ा दम। अब खबरें विस्तार से। रविवार को सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने भिवानी स्थित अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भाजपा व इनेलो पार्टियों पर एसवाईएल मुद्दे को लटकाने के आरोप लगाए। वहीं उन्होंने वर्तमान सरकार पर किसानों की फसल ना खरीदने व बेरोजगारी बढ़ाने के आरोप लगाए। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व सांसद श्रुति चौधरी भी उपस्थित रही। कांग्रेस विधायक दल नेता किरण चौधरी ने अपने विजयनगर स्थित निवास स्थान पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि भाजपा व इनेलो दोनों ही पार्टियां एसवाईएल के मुद्दे को लटका रही है व अनाप शनाप बयानबाजी देकर कंट्रोवर्सी पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब वर्तमान सरकार को अच्छी तरह से पहचान चुकी है। नौकरियों पर पारदर्शिता के मामले में भी उन्होंने हरियाणा की भाजपा सरकार को विवादों से घिरे हुए बताया। उन्होंने कहा कि आगामी कांग्रेस रैली रिकॉर्ड तोड़ रैली साबित होगी। वहीं उन्होंने सरकार पर किसानों की फसल ना खरीदने के आरोप लगाए। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व सांसद श्रुति चौधरी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राम प्रताप शर्मा, तोसाम हल्के के कांग्रेस प्रधान हरि सिंह सांगवान, दिलबाग सिंह तथा परमजीत सिंह मड्डू आदि उपस्थित रहे। उस संदर्भ में जो है सारे दौरे किए जा रहे हैं। आज आपने देखा कि किस तरह से हरियाणा के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या तबाही जो है बीजेपी सरकार ने मचाई है। हर वर्ग जो है, बार बार मैं ये बात कहती हूँ, त्रस्त है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो बीजेपी से खुश हो। और सच्चाई ये है कि अब लोग समय देख रहे हैं कि कितने जल्दी से जल्दी इलेक्शन आए और वोट करके इनको बाहर करा दें। श्रुति को जाना है महेंद्रगढ़, क्योंकि वहाँ पे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसके दौरे हैं। तो श्रुति आप तो निकल लो, कोई इससे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, नहीं तो ये निकल ले, फिर मैं बोलूँगी। आप भिवानी के साथ हमारा पानी का जो है, हमारे को बंटवारा नहीं हो रहा है पूरा। हमारे साथ दो भांत करी जा रही, पानी का बंटवारा, समान बंटवारा की बात करते हैं, कहते हैं टेल तक पानी की बात करते हैं। आज हमारी नहरों के अंदर पानी नहीं, किसान जो है उसके आंखों में पानी ज़रूर है लेकिन नहरों में पानी नहीं आ रहा। पीने के पानी के लिए किल्लत हो रही है क्योंकि नहरों में पानी नहीं दिया जा रहा। जो है भाखड़ा का जो पानी हमने कहा है, एसवाईएल के पानी के ऊपर तो ये राजनीति खूब ज़बरदस्त इनेलो और बीजेपी दोनों कर रहे हैं। तो भाखड़ा का पानी जो है वही कम से कम अगर हमारे को बराबर दे दें तो सिरसा के बराबर जो है हमारा भी पानी मिल जाएगा, हमारे किसान को उसको भी थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। जो हमारा अधिकार है वो पानी को भी कटौती करी जा रही है भिवानी से। तो इतना ज़बरदस्त भिवानी के साथ जो है ये कर रहे हैं, भेदभाव की जो है बात हो रही है। तीसरी बात है, आपने देखा कहते बहुत बड़े बड़े ढोल पीट रहे थे कि नौकरियों के अंदर जो है हमने बड़ी पारदर्शिता लेकर आए। आज इनका जो है पूरा जो है सफ़ेद चिट्ठा जो है वो खुल गया है कि किस तरह की पारदर्शिता है। पैसे दे दे के जो है मेरिट बनाई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी की सारा जो तंत्र जो है वो पूरा का पूरी तरह से रॉटन हो चुका है। रॉटन इज द वर्ड आई विल यूज। पूरा तंत्र ख़त्म हो चुका है और हर तरीके से जो है हर जगह पे जो है बुरे हाल हो रहे हैं। इसी तरह से ये जो है नौकरियां की जो ये बात है, महंगाई, अब आप देखो आज जो है डीजल कितने का हो गया, 64 से ऊपर डीजल हो गया। मैं पूछना चाहती हूँ ये केंद्र सरकार से, बीजेपी सरकार से, कि आप कर क्या रहे हैं। 40 रुपये प्रति लीटर हर एक आदमी जो है वो टैक्स दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कीमतें जो हैं वो गिर चुकी हैं, गिरावट हो गई है कच्चे तेल, और हम जो है 40 रुपये प्रति लीटर जो है हम टैक्स दे रहे हैं और बार बार ये बढ़ाया जा रहा है। ये टैक्स हमारा क्यों नहीं कम करा जाता। सरकार जो है
ये इतना मुनाफाखोरी आम आदमी के साथ क्यों कर रही है, ये मुझे बात समझ नहीं आती। और ये क्या ये अच्छे दिन लेकर आने की वायदा मोदी जी ने करा था कि इतनी महंगाई हो जाएगी। अब आप ये बताओ यहाँ से वहां तक आप स्कूटर पे जाओगे कितनी दूर तक आप कर पाओगे? इतना महंगा पेट्रोल, इतना महंगा डीजल कि ये तो बिल्कुल आसमान छू गया है, कुछ हो ही नहीं सकता है। इतनी जबरदस्त महंगाई जो हो रही है, ये सारी की सारी चीजें। और फिर उसके साथ साथ एक बात जो अहम बात है वो आपको सबको समझनी चाहिए, वो ये है कि ये सारी की सारी बातें सामने फिर लेकर आ जाते हैं, जो है हिंदू मुस्लिम की बात कर देंगे, कभी जात पात की डिवाइड की बात कर देंगे, कभी गठबंधनों की बात हो जाती है। ये सब इसलिए करा जा रहा है, इनोलो हो चाहे बीजेपी हो, ये सब इसलिए करा जा रहा है कि लोगों का ध्यान भटका दो। सच्चाई ये है कि इलेक्शन जो है वो आने वाले 6-7 महीनों के अंदर अंदर है, और इसलिए लोगों को जो है अपना जो असली जिस चीज़ के ऊपर जिससे वो त्रस्त है उसके बारे में ना सोच पाए, इसलिए जो है ध्यान भटका के रखो। तब ये गठबंधन उसका हो रहा है, जात पात की बात शुरू कर दो, कुछ और जो है कोई और मुद्दा उठा के ले आओ। असली मुद्दा ये है कि सामने नजर आ गया है कि पारदर्शिता के अंदर किस तरह से जो है इनका खुद का चेयरमैन जो है उसके ऊपर लांछन लगे, उसको हटाने की बजाय उसको जो है एक्सटेंशन दे दी जाती है। तो क्या पारदर्शिता हमारे कहते हैं नौजवानों के साथ, इतना भद्दा मजाक हमारे नौजवानों के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ जो बेरोजगार फिर रहे हैं, जिन्होंने ये सोचा था कि मोदी जी के प्रॉमिस पे कि 2.5 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, आज वो जो है 2.5 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? इतने ऐसे अच्छे दिन तो भगवान जो है किसी के लिए भी ना लेकर आए जिस तरह की अच्छे दिन की इन्होंने बात करी थी। एक मुद्दा मैं आपके सामने आज और उठाना चाहती हूँ, वो मुद्दा आज मेरे साथ ये किसान जो हैं, मेरे जो हैं भाई यहाँ पे आए हुए हैं तो शाम से सारे के सारे लेकर आए हैं। देखो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एग्री समिट करके करोड़ों रुपए जो है वो बर्बाद कर दिया इस सरकार ने, दिखा भैया इनके ऊपर क्या तो टिप्पणी करी जाए, ये तो सारे के सारे झूठ के पुलंदे हैं, सारे के सारे A to Z। जितना शोषण इन्होंने हरियाणा के अंदर हरियाणा के लोगों का करा है और हरियाणा का बर्बादी करी है, वो मेरे बोलने की जरूरत है क्या? ये तो सारी बेकार की बातें हैं, सारी जनता जानती है इसवायल नहर जो है किसने खोदी। अगर वो कोई कहते अंधा भी होगा ना, वो भी कह देगा कि जो है इसवायल नहर चौधरी बंसीलाल जी की देन है हरियाणा की तरफ से। रोकी कैसे गई? रोकी क्यों गई? क्योंकि पंजाब वालों ने आगे नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि उस समय जो है चौटाला और बादल साहब का जो है गठबंधन था, उनका गठबंधन मतलब पगड़ी बदल भाई हैं, इनके आपस के अंदर 100 तरीके के रिश्ते हैं, मतलब आपस के अंदर इनके अच्छे रिश्ते हैं। तो ये सारी बातें अब ये क्या बोलना, ये तो सारे ड्रामेबाज लोग हैं, राजनीति करने वाले लोग हैं, जिन्होंने जनाधार जिनका पूरी तरह से खो चुका है और आज जो है वो तिनका तलाश रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उलट पुलट बात बोलकर जो है उसको कंट्रोवर्सी के अंदर बनाए रखो ताकि लोगों का असली मुद्दों से ध्यान भटका रहे। आज जो हरियाणा के अंदर हो रहा है उस असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी बीजेपी कुछ बात करती है, कभी ये कुछ बात। मैंने अभी आपको बताया ना, कोई इफेक्ट होने वाली बात नहीं है, जो जनाधार खो चुके हैं पूरी तरह से, जात पात की राजनीति अब करने वाले जो लोग हैं उनका समय नहीं है। लोग जो हैं वो अपना काम धंधा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हरियाणा को कोई सुशासन दे और ये कुशासन से जो है छुटकारा पाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये हरियाणा उन्नत हो।